भैया ये क्या आप दुकान के पास आकर बैठ गए? आपने शराब पी है? पी है रे, दुकान हमेशा बंद करके रखना मुझसे नहीं होगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ तो पी। कल मैं भी तेरे साथ गांव चलूंगा। तो ये दुकान घर ये जगह छोड़ दोगे? अब यहाँ हमारा क्या है रे? कुछ नहीं है, सब खो दिया, इसलिए गांव जाकर वहां पर मैं तेरे साथ खेती बाड़ी करके ही जीना है सोच लिया। तो जैसे डरपोक को कहीं नहीं देखा क्या रे? भी मैंने नशे में तो हुआ। मतलब कोई आपको दुकान बंद करने को बोले तो सब कुछ बंद करके मेरे साथ गांव चलोगे क्या? कल को कोई और आकर अपनी जमीन और खेत छोड़ने को बोलेगा तो कहाँ जाएंगे आप? मुंह बंद कर, बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहा है। मैं यहाँ इज्जत से जिंदगी जी रहा हूँ, तेरे जैसे गुंडागर्दी नहीं करता। अकेले लड़ना गुंडागर्दी है तो गांधी जी और बाबू जी भी गुंडे लोग थे। हक हक हक, ये बात किताबों में अच्छी लगती है। यहाँ अगर जीना है तो खुद की अपनी पहचान बनानी होगी या उनके साथ हाथ मिलाना होगा। उस ठाकुर की नजर आपकी दुकान पर पड़ी है तो आप उसे छोड़ रहे हैं, वही नजर आपकी बीवी पे पड़ी तो इस दुकान की तरह अपनी बीवी को भी छोड़ दोगे क्या? थोड़ी तो शर्म कर रहे, वो मेरी पत्नी है और तेरी भाभी है। बस वही समझा रहा हूँ कि जैसे आपकी पत्नी आपकी है वैसे दुकान भी आपकी है। जिस तरह आपकी पत्नी आपके भरोसे रहती है उसी तरह आप भी दुकान के भरोसे हो। डरने की भी कोई सीमा होती है, अगर एक बिल्ली को भी कमरे में बंद रखो तो वो भी शेर बन जाती है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? आप उस महान व्यक्ति के बेटे हो जो हिम्मत से जिया है। ऐसे घुट घुट के जीना भी कोई जीना है? ऐसे घुट घुट के जीने से तो मरना अच्छा है। सुनो, ये नीचे जो जमीन दिख रही है ना, ये भी अपनी माँ की तरह है। अगर वापस वो इस जमीन पर पांव रखेंगे तो वो अपनी माँ का अपमान होगा, याद रखना। चलता हूँ मैं। है? मेरी एक बात सुनो, मैंने एक फैसला किया है, चाहे मुझे मरना पड़े लेकिन शॉप बंद करके घर नहीं बैठूंगा। मतलब तुम शॉप खोल के हम सबको मरवाओगे क्या? देखो चंदू, हम लोग भी शॉप खोलना चाहते हैं लेकिन तुम तो बात को समझते हो ना। इसने शॉप खोलने की हिम्मत की रे? ये शॉप ये उनकी शॉप नहीं है, ये इनकी शॉप है। मेरी दुकान है, मैं खोलूंगा। तू कौन है रे बीच में बोलने वाला? अपनी दादागिरी अपने पास रख। इधर आ गया, क्या कर लेगा? तेरी हिम्मत हुई दुकान खोलने की? मेरे तीन गिनने तक। लेकिन तुम तो चार दिखा रहे हो। मेरे तीन गिनने तक ये शटर गिरा के ताला बंद करके चाबी मेरे हाथ में दे दे तो तीन दिन नहीं आओगे क्या? तो मैं पूरा का पूरा सर तोड़ डालूंगा। दो तीन चार पाँच, तूने मुझे मारा रे? मार रहे। एक बात ध्यान से सुनो, हम दोनों की लड़ाई के बीच में कोई नहीं आएगा, समझ गए? तू मार रहे मुझे, मैं देखता हूँ। कोई बीच में नहीं आएगा, रहने दे, तू चालू रहे, मैं देखता हूँ तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। तुझे तो मैं लड्डू की तरह मसल के रख दूंगा। हिम्मत है तो मार ना, मार। तू यही रुक, मैं 5 मिनट में अपने आदमियों को लेकर आता हूँ। मां कसम आता हूँ रे, तू यही रुकना, तेरा चैप्टर तो मैं आज यही क्लोज कर दूंगा। तू यही रुकना। मुझे मारा ना तूने, तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। सुनो, उन गुंडों के बारे में तुम जानते हो ना, अपनी दुकान बंद कर देते हैं। अरे तुम चुप रहो ना यार, आने दो उनको, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। भाई वही है। अरे ये क्या भाई, ये अपनी तरफ तलवार लेकर क्यों आ रहे हैं? भाई वही है, मार दो इसे। अरे बाप रे, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, एक ही मार में गिर गया। वापस इसे कॉलोनी में नहीं आऊंगा। अरे नहीं आऊंगा इस कॉलोनी में, क्या इस शहर में नहीं आऊंगा। अभी देख क्या रहे हो तुम लोग, अपनी अपनी शॉप खोलो, चलो। हाँ तुझे क्या है, तुझे बचाने वाला तो तेरा भाई है। ऐसे सबके पास भाई होते तो एक के पास चार चार दुकानें होती। क्या भाई भरत, तेरे जैसे और भी कोई गाँव में हो तो उन्हें यहाँ लेके आ जा, चाहे तो चंदा निकाल कर उनकी पगार दे देंगे। खाने की चिंता तुम मत करो, खाना मेरी तरफ से रहेगा। हाँ उनकी तबीयत बिगाड़नी है ये क्या? कैसी बात कर रहे हो, ये अपनी जगह है, अपनी शॉप है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जाओ अपनी अपनी शॉप खोल लो, जाओ ना। हाँ कुछ बोलने जाओ तो ये सब उल्टा बोलते हैं। वो लोग आएंगे और अपनी पिटाई करेंगे और पुलिस भी आएगी तो कुछ नहीं बोलेगी, उल्टा हमें ही जेल में भेजेगी, समझे तुम लोग। स्कूल से मेरी लड़की गायब हो गई है, फोटो भी कंट्रोल रूम में भेज दी है, सारे शहर को अलर्ट कर दिया है। डीएसपी जी से मैंने बात कर लिया है,
होम मिनिस्टर से भी अभी बात करता हूँ। सब होशियारी से काम करना, मेरी बेटी मुझे चाहिए। कुछ भी करके मुझे मेरी बेटी ला दो। बेबी को कुछ भी नहीं होगा, तुम बेकार की टेंशन लेके मुझे टेंशन मत दो। मैं तो पहले से ही आपको कहती आई, एक दिन आपके सारे पाप हम सबको भुगतने पड़ेंगे। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं होगा। अपना मुंह बंद कर, अपनी बेबी को कुछ भी नहीं होगा। सारा डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है, बेबी जरूर वापस आ जाएगी। नहीं आएगी, तेरे पापों की सजा उसे मिली है, मार दिया है उसे। झूठ, मैं नहीं माना। बिना सबूत के पुलिस कोई बात नहीं मानती। देख, कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, पोस्टमार्टम करना होगा, केस बनाना होगा, इतना ही है ना इंस्पेक्टर? बेटा पिंकी, ऐसे हर रोज कितने लोग कुत्ते की मौत मर रहे हैं क्या तुम जानते हो? क्या उनके लिए एक केस भी दाखिल किया है? अपनी बेटी का खून देखने के बाद अब तेरा खून जल रहा है? अपनी बेटी को मारने वाले को अब तुम मारना चाहते हो? मुझे रोज ऐसा ही लगता है, हम पर अन्याय करने वाले को इससे भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। मुझसे गलती हुई, मुझे मारना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को क्यों मारा? क्यों? उस बैनर्जी ने अपनी जगह छोड़कर जाने से इनकार किया तो उसे मार डाला। उनकी पत्नी आपसे न्याय मांग के पागल हो गई, पर न्याय नहीं मिला। गरीब लोग आपके पुलिस स्टेशन पर आते हैं न्याय मांगने, पर उन्हें न्याय कभी नहीं मिलता, हमेशा उनके साथ अन्याय होता है। क्यों? आप लोग कानून के रक्षक हो और लोग आप पर भरोसा करते हैं, पर आप अन्याय करते हो, क्यों बताओ? क्यों? क्रिमिनल्स और आप में कोई फर्क नहीं रह गया है, इसलिए लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। जिम्मेदारी निभाने वाले पुलिस ऑफिसर एक लुच्चे को सपोर्ट करते हैं। देख, आज तेरे पापों की सजा, आज तेरी बेटी को भुगतनी पड़ी है। भगवान, ये सब देखने के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ, मुझे मौत भी तो क्यों नहीं आती? जिस दुख को महसूस करके आज तुम सोच रहे हो तुम्हें मरना चाहिए, वो दुख हम हर रोज महसूस करते हैं। बेटी, इंसानियत भूलने वाले को इंसानियत याद आ जाए, इसलिए आज मैंने आपके सामने ये घिनौना नाटक किया। भरत, मुझ जैसे आदमी को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। वर्दी पहनते वक्त कितनी कसमें खाई थी, लेकिन एक भी नहीं निभाई। अब मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, चाहे मेरी जान भी चली जाए, न्याय के लिए लड़ूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब वो ठाकुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू। हसीना टकराना हमसे तू अनजाने में।
दिल की मेरे है ये रानी, चाहत है मेरी जान भी ये। ओ बाबू जी ढूंढो मेरा दिल, जाने किसने चुराया जिया। दिल मेरा वापस जो लाए, पाए मेरे लाख दुआ। अवतार ये आया है बनके ये मसीहा, सबसे ही करता है तो प्यार ये। सबको ही हिम्मत इससे मिले, राहों पे सच की ये तो चले। किसमें है दम जो इससे लड़े, साथ है सब इसके खड़े। हारा नहीं वो तो कभी, हाथों से हाथ जिसका मिला। तुम जो रहो साथ मेरे, जीत का चलता रहे सिलसिला। बाबू जी ढूंढो मेरा दिल, जाने किसने चुराया जिया। ओए दिल तेरा वापस जो लाए, पाए तेरी लाख दुआ। यही है वो दिल का जो चैन भी मेरा ले गया, जो यहाँ है वो ऐसा है वो, अब मेरे सामने आया है जो। ओ बाबू जी मिला मेरा दिल, तूने ही तो दिल चुराया मेरा। ओए हाय दिल तेरा वापस जो लाए, पाए तेरी लाख दुआ।